हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल लर्न विथ रूना में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट FMEA स्टार्टिंग से एंड तक एग्जांपल्स के साथ समझाने वाली हूँ, जिससे अगर FMEA को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी इस चैनल में मैं मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी से रिलेटेड टेक्निकल और बहुत ही बेसिक वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और आपको इन वीडियोस के अपलोड होने की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू विश टू वॉच माई वीडियो इन इंग्लिश देन प्लीज़ टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लोग फेल एंड फिक्स अप्रोच पे रिलाई करते थे, मतलब वे वेट करते थे कि मशीन या इंस्ट्रूमेंट के ब्रेकडाउन का, और जैसे ही ब्रेकडाउन होता था वे उन्हें फिक्स करते थे। बट अब अल्टरनेटिव अप्रोच यूज़ किया जाने लगा इंडस्ट्रीज़ में, जो कि है प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट, जिसमें आप प्रॉब्लम्स का अनुमान पहले से लगा लेते हैं और उस प्रॉब्लम के अकर होने से पहले ही उसे फिक्स कर देते हैं। यही सबसे बेस्ट अप्रोच है और इकलौता तरीका है प्रोडक्शन लाइन को रन करने का। और इस प्रेडिक्ट और प्रिवेंट अप्रोच को यूज़ करने के लिए FMEA बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। आइए इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। FMEA सबसे पहले 1950 में डेवलप हुआ था। नासा के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने 1960s में इसे यूज़ किया था। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने 1970 में इसे अडेप्ट किया और फोर्ड ऑटोमोटिव सेक्टर का सबसे पहला कंपनी है जिन्होंने FMEA को यूज़ करना स्टार्ट किया। QS 9000 ने 1994 में इसे मैंडेटरी किया। FMEA का प्रेजेंट फॉर्म जो है वो है क्रिसलर, फोर्ड एंड जनरल मोटर्स द्वारा अपने सप्लायर्स के लिए डेवलप किया गया है। FMEA का लेटेस्ट फोर्थ एडिशन मैनुअल वो 2008 में पब्लिश हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि FMEA क्या है। इसका फुल फॉर्म है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसमें जो फेलियर की बात कर रहे हैं वो है पोटेंशियल फेलियर, जिसका मतलब है फेलियर अभी तक आया नहीं बट आगे आ सकता है। नेक्स्ट है मोड, जो टाइप्स, वेज या पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। फिर आता है इफेक्ट, जो इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे उस फेलियर का क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और लास्ट है एनालिसिस, जिसमें उस फेलियर मोड से होने वाले रिस्क को स्टडी करके उसे रिड्यूस करना है। इसलिए FMEA एक इंजीनियरिंग रिलायबिलिटी टूल है, जो कि प्रॉब्लम्स पे रिएक्ट नहीं करता बल्कि इसे पहले ही अकर होने से रोकता है। ये सेफ्टी बेस्ड अप्रोच है, जो ये सोचकर काम करती है कि अगर ये पर्टिकुलर फेलियर आएगा तो क्या हो सकता है, इसलिए वे पहले ही एक्शंस डिसाइड करके उस पर काम कर लेते हैं। इसके अलावा FMEA रिस्क को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने में हेल्प करता है, और ये सिस्टम डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जाने माने या पोटेंशियल फेलियर्स को डिफाइन करता है और ये सिस्टम डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जाने माने पोटेंशियल फेलियर्स को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसे प्रायोरिटाइज करके उसे एलिमिनेट करता है। FMEA का मेन गोल फेलियर मोड्स को एलिमिनेट करके रिस्क को कस्टमर तक पहुँचने से पहले रिड्यूस करना है। जनरली FMEA फोर टाइप्स के होते हैं। पहला है PFMEA, जो है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसमें ये प्रोसेस या असेंबली डेफिशिएंसीज की वजह से जो फेलियर मोड आने के चांसेस हैं उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट है DFMEA, जो है डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसमें ये डिज़ाइन डिफिशियंसिस की वजह से जो फेलियर मोड आने के चांसेस है उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट है SFMEA, मतलब सिस्टम फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसमें ये सिस्टम डिफिशियंसिस की वजह से जो फेलियर मोड आने के चांसेस हैं उस पर फोकस करता है। और लास्ट है MFMEA, मतलब मशीनरी फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसमें ये मशीन के फेलियर से होने वाले रिस्क पे फोकस करता है। जनरली इसके एनालिसिस के लिए हम FMECA, मतलब फेलियर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकैलिटी एनालिसिस का यूज़ करते हैं। आज के ट्रेनिंग का हमारा जो मेन फोकस है वो है PFMEA, बट हम DFMEA को भी साथ में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि FMEA का यूज़ क्यों करते हैं। तो आंसर है कि FMEA सेफ्टी, रेगुलेटरी, कस्टमर रिक्वायरमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्क को एसेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FMEA की ज़रूरत कब पड़ती है। तो FMEA की ज़रूरत किसी भी प्रोसेस या डिज़ाइन के इम्प्लीमेंटेशन के पहले पड़ती है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी इवेंट के पहले का एक्सरसाइज है, ना कि किसी भी फैक्ट के अकर होने के बाद का। अब कस्टमर्स कौन है।
तो चार मेजर कस्टमर्स हैं जो कि फेलियर मोड की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। वे हैं एंड यूज़र, असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, इंटरनल कस्टमर्स और गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। और लास्टली, FMEA से रिस्क को कैसे असेस करते हैं? तो आंसर है कि FMEA के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या गलत हो सकता है, किसी रिस्क के पॉसिबल मोड्स ऑफ फेलियर क्या हैं, उन पॉसिबल मोड्स ऑफ फेलियर को प्रायोरिटाइज कैसे करें, और इन सब के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस और रिस्क मिटिगेशन प्लान क्या है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें। FMEA फेलियर मोड के तीन एस्पेक्ट को क्वांटिफाई करता है, और वो एस्पेक्ट हैं सीवियरिटी, अक्रेंस और डिटेक्शन। इसके स्कोप ऑफ एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कोई भी नए डिज़ाइन, नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोसेस। दूसरा है किसी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन या एग्जिस्टिंग प्रोसेस में मॉडिफिकेशन। और तीसरा है डिज़ाइन या प्रोसेस एग्जिस्टिंग है बट इन्वायरमेंट, लोकेशन, एप्लीकेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा नहीं हो। अब क्वेश्चन आता है कि PFMEA और DFMEA की ज़रूरत APQP के कौन से फेज पे पड़ती है। तो APQP का रेफरेंस मैनुअल कहता है कि APQP के टाइमिंग चार्ट के अकॉर्डिंग DFMEA प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट सेक्शन का एक्टिविटी है जो कि APQP का सेकेंड फेज है। वहीं PFMEA प्रोसेस प्लानिंग और डेवलप सेक्शन का एक्टिविटी है, मतलब ये APQP का थर्ड फेज है। आइए अब FMEA की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। FMEA दो सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है इनिशियल असेसमेंट और दूसरा है एक्शन एंड हिस्ट्री। इनिशियल असेसमेंट प्रोसेस के इनिशियल कंडीशन को इवैल्यूएट करता है, और इनिशियल असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद CFT टीम सीवियरिटी, अक्रेंस और डिटेक्शन रैंकिंग को कम करने के लिए लिस्ट ऑफ एक्शंस जनरेट करती है, जो कि FMEA का सेकेंड सेक्शन एक्शंस और हिस्ट्री में आता है। इनिशियल असेसमेंट में तीन पार्ट्स आते हैं। पहला है फेलियर मोड और उसके इफेक्ट आइडेंटिफाई करना, दूसरा उन फेलियर मोड के कॉजेज और कंट्रोल आइडेंटिफाई करना, और फिर उन फेलियर मोड को प्रायोरिटाइज करना। और वहीं एक्शन एंड हिस्ट्री में एक ही पार्ट है, प्रायोरिटाइजेशन के बाद एक्शंस डिटरमाइन और एक्सेस करना। अब इसमें जो पहला और दूसरा एस्पेक्ट्स सीवियरिटी और अक्रेंस है, उसके रेटिंग के लिए हमें एक्सपीरियंस और डेटा का यूज़ करना पड़ेगा। डेटा में हमें चाहिए कस्टमर कंप्लेन का डेटा, रिपेयर और वारंटी की इन्फॉर्मेशन, इंटरनल स्क्रैप और रिवर्क की हिस्ट्री और ब्रेनस्टॉर्मिंग की हेल्प से FMEA टीम की एक्सपर्टीज़। और FMEA का थर्ड एस्पेक्ट डिटेक्शन उसकी रैंकिंग गेसिंग से ले सकते हैं। FMEA का फॉर्मेट जनरली कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है वो हेडर है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो एलिमेंट्स हैं। हेडर में सबसे पहले आता है FMEA नंबर। ये एक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग है जो कि FMEA डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करता है। ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है आइटम, जिस प्रोसेस को हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ उस प्रोसेस के सिस्टम, सब सिस्टम या कंपोनेंट के नाम और नंबर एंटर करने हैं। नेक्स्ट मॉडल ईयर, जिस प्रोडक्ट के लिए ये FMEA एप्लीकेबल है उस प्रोडक्ट का मॉडल ईयर यहाँ मेंशन करना है। अगला है कोर टीम, यहाँ उन टीम मेंबर्स के नाम लिखने हैं जो इस FMEA के प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट प्रोसेस और डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या OEM ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट या उस ग्रुप का नाम मेंशन करना है जो उस प्रोसेस या डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट है की डेट, या इनिशियल FMEA का ड्यू डेट मेंशन करना है जो कि प्रोडक्शन स्टार्ट डेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ उस इंजीनियर या टीम लीडर का नाम और कॉन्टैक्ट इन्फो लिखना है जो कि इस FMEA के प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है FMEA डेट, ये FMEA का ओरिजिनल कंप्लीशन डेट है। एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है प्रोसेस फंक्शन और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, जिसमें हमें प्रोडक्ट या प्रोसेस की फंक्शंस, फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना है। फिर आता है पोटेंशियल फेलियर मोड, जिसमें हमें उन फंक्शंस के फेलियर मोड को डिटरमाइन करना है कि क्या गलत हो सकता है। नेक्स्ट पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेलियर, जिसमें हमें फेलियर मोड के इफेक्ट्स को डिटरमाइन करने हैं और उससे सीवियरिटी रेटिंग डिराइव करनी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये रिस्क के द्वारा इंडिकेट किए गए कैरेक्टरिस्टिक के टाइप को रेफर करता है। नेक्स्ट पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर, ये फेलियर मोड के कॉजेस को डिटरमाइन करता है और उससे अकरेंस रेटिंग डिराइव करता है। नेक्स्ट है करंट प्रोसेस कंट्रोल प्रिवेंशन और करंट प्रोसेस कंट्रोल डिटेक्शन, ये प्रिवेंशन और डिटेक्शन कंट्रोल को डिटरमाइन करता है और उससे डिटेक्शन रेटिंग डिराइव करता है। अगला है RPN, ये रिस्क को कैलकुलेट और एसेस करता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड एक्शंस, ये एक्शन प्लान को डेवलप और डिराइव करता है और उसे टाइमली कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेटेड असाइन करता है।
अब FMEA को प्रिपेयर करने से पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले प्रॉपर टीम सेलेक्ट करें। AIAG के FMEA मैनुअल के अकॉर्डिंग सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन का रेटिंग चार्ट ले लें। CFT के साथ FMEA का एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, जनरली AIAG का सेट किया हुआ फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं, और प्रोसेस फ्लो चार्ट जो कि प्रोसेस को समझने में हेल्प करेगा। इसके अलावा उस प्रोसेस से मिलता जुलता सिमिलर प्रोसेस या प्रोडक्ट के इन इंफॉर्मेशन को भी हमें साथ में कैरी करना है, जैसे प्रोसेस परफॉर्मेंस डेटा, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस डेटा, कस्टमर कंप्लेंट्स और वारंटी क्लेम, मार्केट रिसर्च डेटा, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज, कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस, प्रोडक्ट और प्रोसेस का बेंचमार्क डेटा और इंटरनल रिजेक्शन डेटा। अगर FMEA की ऑटोमोटिव डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखें तो सबसे पहले PFC डेवलप करते हैं, जिसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को चेक करते हुए बनाया जाता है। फिर उसी प्रोसेस फ्लो चार्ट से हर एक प्रोसेस को FMEA के फॉर्मेट में हमें एंटर करना है, फिर हर एक प्रोसेस का FMEA डेवलप करना है। ध्यान रहे, डिज़ाइन FMEA के दौरान ही हमें क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करने हैं। FMEA कम्प्लीशन के बाद कंट्रोल प्लान डेवलप करना है, ध्यान रहे इसमें क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए अप्रोप्रिएट कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना है। आइए अब PFMEA को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस स्टेप और फंक्शन और रिक्वायरमेंट। स्टेप हो गया 002, जिसे PFC से उठाया गया है, और उसका फंक्शन है अटैच शीट कुशन टू ट्रैक यूजिंग टॉर्क गन। इसके रिक्वायरमेंट हैं 4 स्क्रूज होने चाहिए, स्क्रूज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, असेंबली सीक्वेंस मेंटेन होने चाहिए, मतलब फर्स्ट स्क्रू राइट फ्रंट होल में हो, स्क्रूज फुली सीटेड हो, स्क्रूज टॉर्क को डायनामिक टॉर्क स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है फेलियर मोड। यहाँ हमें उन सारे पॉसिबल वेज को मेंशन करना है जिससे कि प्रोसेस रिक्वायरमेंट को मीट करने में फेल हो जाए। ध्यान रहे एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेप के मल्टीपल फेलियर मोड हो सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जहाँ 4 स्क्रू की ज़रूरत थी वहाँ 4 से कम स्क्रू यूज़ किए जाने के चांसेस हैं, स्क्रू की डायमेंशन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना होने के चांसेस हैं, वैसे ही असेंबली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ना होकर स्क्रू किसी दूसरे होल में प्लेस किए जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेलियर। जनरली 4 मेजर कस्टमर्स हैं जो कि फेलियर मोड से अफेक्टेड हैं। पहला एंड यूजर्स, दूसरा OEM असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, तीसरा इंटरनल कस्टमर्स जो कि नेक्स्ट प्रोसेस है, और चौथा गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब कोई भी फेलियर मोड एंड यूज़र को कैसे इफेक्ट कर सकता है, उसके एग्जांपल्स हैं प्रोडक्ट में नॉइज़ का होना, हाई एफर्ट होना, पुअर अपीयरेंस, एडजस्ट ना हो पाना, कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होना, अनप्लीजेंट ऑर्डर होना, लीकेज का होना एक्सेट्रा। वैसे ये असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स पे कैसे इफेक्ट करते हैं उसके एग्जांपल्स हैं ऑपरेशन पे असेंबल ना कर पाना, कस्टमर फैसिलिटी पे अटैच ना कर पाना, कस्टमर फैसिलिटी पे कनेक्ट ना कर पाना, ऑपरेशन पे इक्विपमेंट का डैमेज होना एक्सेट्रा। वैसे ही ये इंटरनल कस्टमर्स पे कैसे इफेक्ट करते हैं उसका एग्जांपल है नेक्स्ट प्रोसेस में लाइन का शटडाउन होना, शिपमेंट का रुक जाना, 100% प्रोडक्ट का स्क्रैप होना, नेक्स्ट प्रोसेस के लाइन स्पीड का डिक्रीज हो जाना एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को ये कैसे इफेक्ट करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एक्सीडेंट। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। शीट कुशन के अटैचमेंट में जहाँ 4 स्क्रूज की ज़रूरत थी और अगर 4 स्क्रूज से कम स्क्रू यूज हुए तो एंड यूज़र को लूज शीट कुशन और नॉइज की कंप्लेन हो सकती है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग असेंबली को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी शिपमेंट रुक जाए और रिवर्क की ज़रूरत पड़े। बाकी हो सकता है कि इंटरनल कस्टमर और गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पे इसका कोई भी इफेक्ट ना हो। एक और फेलियर मोड का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्क्रूज ना होकर अगर रॉन्ग स्क्रूज लगे हों तो नेक्स्ट प्रोसेस पे ही ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम आगे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं और एंड यूज़र और मैन्युफैक्चरिंग असेंबली या गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ नेक्स्ट प्रोसेस पे ही हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है सीवियरिटी। ये PFMEA सीवियरिटी रेटिंग चार्ट का एग्जांपल है जिसमें 1 का मतलब सीवियर ना होना और 10 का मतलब बहुत सीवियर होना है। ये फेलियर मोड के सबसे सीरियस इफेक्ट को रिफर करता है। टेबल के अकॉर्डिंग ही उसे रेट करने की ज़रूरत होती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, सीवियरिटी टेबल एक कार मैन्युफैक्चरर के लिए अलग होगा और उनके सप्लायर के लिए अलग होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें यूज़ करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीएफएमईए में आप सीवियरिटी रैंकिंग कभी रिड्यूस नहीं कर सकते। सीवियरिटी रेटिंग डिज़ाइन रिवीजन करके ही रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए डीएफएमईए में ही इसे रिड्यूस कर सकते हैं। उन फेलियर मोड्स जिनकी सीवियरिटी रेटिंग 1 है, उन्हें इवेल्युएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट है क्लासिफिकेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक का क्लासिफिकेशन जो है वो डीएफएमईए का आउटपुट है। मतलब सीवियरिटी और ऑक्रेंस के अकॉर्डिंग डीएफएमईए के वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक के क्लासिफिकेशन आपको कस्टमर या तो ड्राइंग या किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करेंगे, जिसे बाद में कंट्रोल प्लान या प्लांट के किसी और रिलेटेड डॉक्यूमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को एक्स्ट्रा कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डिज़ाइन एरर प्रूफिंग, सीपीके स्टडी, प्रोसेस मिस्टेक प्रूफिंग एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन आता है कि डिज़ाइन एफएमईए में भी क्रिटिकल और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर सीवियरिटी रेटिंग 8 से ज़्यादा है और ऑक्रेंस रेटिंग 1 से ज़्यादा हो, तो उसे क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करते हैं। अगर सीवियरिटी रेटिंग 6 से ज़्यादा है और अक्रेंस रेटिंग 2 से ज़्यादा है, तो उसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर। इसे आरसीए के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसके लिए 6M मतलब मैन, मशीन, मेथड, मेजरमेंट, मटेरियल, मदर नेचर को याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, शीट कुशन को अटैच करने के प्रोसेस में रिक्वायरमेंट था कि स्क्रूज़ फुल्ली शीटेड होने चाहिए, जिसका फेलियर मोड हो सकता है कि स्क्रूज़ फुली सीटेड ना हो। तो इसका कॉज हो सकता है कि ऑपरेटर ने नट रनर को वर्क सरफेस के परपेंडिकुलरली हेल्ड नहीं किया होगा। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है अकरेंस, जो ये इंडिकेट करता है कि फेलियर मोड कितने फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है। ये अकरेंस रेटिंग टेबल है, जो कि एफएमईए के फोर्थ एडिशन मैनुअल के अकॉर्डिंग है। अब क्वेश्चन आता है कि इस टेबल को कैसे यूज़ करें, मतलब कौन से डेटा के बेसिस पे इसे यूज़ करना है। तो अगर आपका प्रोसेस एसपीसी के अंदर में है या सिमिलर प्रोसेस एसपीसी के अंडर में है, तो अक्रेंस रेटिंग डिटरमाइन करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा की ज़रूरत पड़ती है, या फिर प्रोसेस का इन हाउस नॉन कन्फर्मेंस डेटा, प्रोसेस कैपेबिलिटी डेटा, कस्टमर कंप्लेन डेटा, वारंटी क्लेम या फिर फील्ड रिटर्न्स डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टीम एक्सपीरियंस भी अक्रेंस रेटिंग इस्टेब्लिश करने में यूज़फुल हो सकता है। अक्रेंस रेटिंग कम करने के लिए प्रोसेस या स्पेसिफिकेशन के रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट एलिमेंट है करंट प्रोसेस कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स दो तरीके के होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स और डिटेक्टिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स फेलियर मोड के कॉज को अकर होने से रोकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ अक्रेंस को रिड्यूस करता है। इसके एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्डाइज वर्क इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सेंसर्स, फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, सेटअप ट्रेनिंग, शेड्यूल्ड ऑडिट्स, एसपीसी मिस्टेक प्रूफिंग, ऑपरेटर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन, इनकमिंग इंस्पेक्शन, सप्लायर सर्टिफिकेशन और चेक शीट्स एक्सेट्रा। वहीं डिटेक्टिव कंट्रोल्स फेलियर मोड या उसके कॉज को अकर होने के बाद डिटेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं विजुअल चेक्स और इंस्पेक्शन, गेजिंग, मार्किंग, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, पेट्रोल इंस्पेक्शन, 100% इंस्पेक्शन एक्स्ट्रा। आइए इन दोनों कंट्रोल्स का एफएमईए में यूज़ कैसे करना है, उसे एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक हमने देखा था कि फेलियर मोड स्क्रूज़ का फुली सीटेड ना होने के कॉज के चांसेस थे कि ऑपरेटर ने नट रनर को वर्क सरफेस के परपेंडिकुलर में हेल्ड नहीं किया होगा। तो इसका प्रिवेंटिव कंट्रोल होगा ऑपरेटर ट्रेनिंग। और वहीं डिटेक्शन कंट्रोल कुछ इस प्रकार हो सकता है कि नट रनर में एक एंगल सेंसर इंक्लूड कर दिया जाए, जो क्रॉस थ्रेडिंग को डिटेक्ट करेगा और पार्ट को फिक्चर से रिमूव नहीं होने देगा जब तक उसकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती। इसी तरह बाकी के एग्जांपल्स आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एफएमई का नेक्स्ट एलिमेंट है डिटेक्शन। हमारा करेंट कंट्रोल सिस्टम फेलियर मोड को डिस्पैच होने से पहले डिटेक्ट करने में कितना कैपेबल है, इस एबिलिटी को रैंक करने के तरीके को डिटेक्शन कहते हैं। ये पीएफएमईए का डिटेक्शन रेटिंग टेबल है। ध्यान रखें कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करके ही डिटेक्शन रैंकिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। सैम्पलिंग बेसिस पे किए गए क्वालिटी इंस्पेक्शन हमेशा लो डिटेक्शन रैंकिंग इंडिकेट करेंगे।
डिटेक्शन रेटिंग के लिए हमें अज्यूम करना है कि फेलियर ऑलरेडी हो चुका है और हमें करंट कंट्रोल्स के कैपेबिलिटीज़ को एसेस करना होगा जिससे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट को शिप करने से रोका जा सके। प्रोसेस कंट्रोल और इंस्पेक्शन दोनों या किसी एक के चेंज से ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन इंक्रीज हो सकता है। अब क्योंकि डिटेक्शन कंट्रोल को इंक्रीज़ करना थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए हमारा मेन फोकस प्रिवेंशन पे होना चाहिए ना कि डिटेक्शन पे। अगला एलिमेंट है आरपीएन, जिसका मतलब है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। आरपीएन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है एस इंटू ओ इंटू डी, जिसमें एस मतलब सीवियरिटी, ओ मतलब अक्रेंस और डी मतलब डिटेक्शन है। आरपीएन की वैल्यू 1 से 1000 तक वैरी कर सकती है। आरपीएन रेटिंग स्केल पे 0 रैंकिंग अलाउड नहीं है। इसके अलावा रेटिंग स्केल पे 1000 रेटिंग मतलब मैक्सिमम और वहीं 75 रेटिंग को ओके कंसीडर किया जाता है। सीवियरिटी रेटिंग स्केल पे 1 को नॉट सीवियर और 10 को वेरी सीवियर कंसीडर करते हैं। वहीं अकरेंस रेटिंग स्केल पे 1 को नॉट लाइकली टू अकर और 10 को वेरी लाइकली टू अकर कंसीडर करते हैं। और डिटेक्शन रेटिंग स्केल पे 1 को ईजी टू डिटेक्ट और 10 को नॉट ईजी टू डिटेक्ट कंसीडर करते हैं। FMEA की फोर्थ एडिशन मैनुअल के अकॉर्डिंग कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें सारे रिस्क को एड्रेस करना है, जिसमें हमें स्पेशल अटेंशन उन रिस्क को देना है जिनकी सीवियरिटी हाई है। आइए अब रिस्क प्रायोरिटाइज करने के प्रोसीजर और थ्रेशोल्ड लिमिट रिकमेंडेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दो पार्ट्स हैं, आइटम ए और आइटम बी। आइटम ए की सीवियरिटी है 9, अक्रेंस है 3 और डिटेक्शन है 3, तो आरपीएन हुआ 9 × 3 × 3 मतलब 81। वहीं आइटम बी की सीवियरिटी है 6, अक्रेंस है 5 और डिटेक्शन है 4, तो आरपीएन हुआ 6 × 5 × 4 मतलब 120। अब सपोज करें ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेशोल्ड लिमिट 100 सेट कर रखा है, मतलब 100 के ऊपर आरपीएन रेटिंग होगी तो एक्शन लेंगे। तो आपको आइटम बी पे एक्शन लेना होगा क्योंकि इसका आरपीएन 120 है, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट 100 के ऊपर है। बट ध्यान रखें कि FMEA का फोर्थ एडिशन थ्रेशोल्ड लिमिट को सजेस्ट नहीं करता है, बट क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड लिमिट रिकमेंड किया था, इसलिए हम आइटम बी पे एक्शन ले रहे हैं, जबकि हमें आइटम ए की सीवियरिटी हाई होने की वजह से उसे प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन आता है कि आरपीएन को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो इसका पहला तरीका है सीवियरिटी रैंकिंग को रिड्यूस करके। बट ध्यान रहे कि प्रोडक्ट या प्रोसेस के डिज़ाइन को चेंज करने से ही सीवियरिटी रैंकिंग रिड्यूस हो सकती है, जिसका मतलब है कि सीवियरिटी रैंकिंग सिर्फ DFMEA में ही रिड्यूस कर सकते हैं, PFMEA में इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अगला तरीका है अकरेंस रैंकिंग को रिड्यूस करके, जिसके लिए हमें प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल मिस्टेक प्रूफिंग, रिवाइज इंस्ट्रक्शन, वैलिडेशन रिवैलिडेशन ऑफ प्रोसेस, रिड्यूस वेरिएशन इन प्रोसेस पैरामीटर्स। अगला तरीका है डिटेक्शन रैंकिंग को रिड्यूस करके, जिसके लिए हमें डिटेक्शन कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल हैं SPC इम्प्लीमेंटेशन, रिवाइज टेस्ट प्लान्स इंक्लूडिंग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटेड ऑनलाइन डिटेक्शन। अब हमें यह समझना है कि रिस्क को कैसे प्रायोरिटाइज करें और उस पर एक्शन लें। FMEA मैनुअल के फोर्थ एडिशन के अकॉर्डिंग इन स्ट्रेटजीज़ की मदद से हम रिस्क को मिटिकेट कर सकते हैं। आरपीएन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू का यूज़ करना FMEA मैनुअल रिकमेंड नहीं करता, जिसका मतलब है ऐसा कोई भी आरपीएन वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर हमें एक्शन लेना है और जिसके नीचे हम एक्शन लेने से बच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सीवियरिटी के बेसिस पे क्रिटिकल आइटम पे एक्शन लेना है और फिर हाईएस्ट आरपीएन रेटिंग पे। 9 और 10 की सीवियरिटी रैंकिंग पे स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क है। अब क्योंकि FMEA के लेटेस्ट एडिशन के मैनुअल को इम्प्रूवमेंट के लिए आरपीएन का सेट लेवल नहीं चाहिए, बट फिर भी FMEA में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसलिए FMEA मैनुअल इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरे मेथड्स भी सजेस्ट करता है, जैसे कि हाई सीवियरिटी रिस्क, हाई डिज़ाइन रिस्क मतलब सीवियरिटी इंटू अक्रेंस, और दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे सीवियरिटी इंटू डिटेक्शन। अब आते हैं FMEA फॉर्मेट के सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें है रिकमेंडेड एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट कम्प्लीशन डेट और एक्शन रिजल्ट। रिकमेंडेड एक्शन में RCA के बेसिस पे हमें RPN को रिड्यूस करने के लिए एक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट कम्प्लीशन डेट में टीम को आपस में एक्शंस डिसाइड करके उस एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी है, और वहाँ उस एक्शन को कम्प्लीट करने के लिए ड्यू डेट भी इंक्लूड करना है। अगला है एक्शंस टेकन। यहाँ हमें ब्रीफली ये लिखना है कि एक्चुअल एक्शन क्या लिया गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त एक्चुअल एक्शंस चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें उन एक्चुअल एक्शन को इंक्लूड करना है और उनका एक्चुअल कम्प्लीशन डेट मेंशन करना है।
उसके बाद हमें फिर से उन एक्शंस के बेसिस पे सीवियरिटी ऑक्रेंस और डिटेक्शन के लिए नई रेटिंग जनरेट करना है और स्कोर्स को मल्टीप्लाई करके नए एक्शंस लेने हैं। अब आरपीएन के ये नए वैल्यूज़ डिटरमाइन करेंगे कि क्या उन कॉजेज के लिए नए एक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। पिछले स्लाइड में हमने पीएफएमईए के लिए सीवियरिटी रेटिंग का टेबल देखा था, ये डीएफएमईए के लिए सीवियरिटी रेटिंग का टेबल है। और जैसा कि हमने पीएफएमईए में भी बोला था, सीवियरिटी रेटिंग फेलियर मोड का सबसे सीरियस इफेक्ट को रेफर करता है। इसके अलावा डिज़ाइन रिवीजन से ही सीवियरिटी रेटिंग चेंज हो सकती है और जिन फेलियर मोड की सीवियरिटी रेटिंग एक है उन्हें इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डीएफएमईए का अक्रेंस रेटिंग टेबल है। अक्रेंस रेटिंग को एक्सेस करने के लिए पास डेटा का यूज़ कर सकते हैं। इसमें टीम एक्सपीरियंस भी बहुत यूज़फुल माना जाता है। अगर डिज़ाइन रिवीजन के थ्रू हम एक या एक से ज़्यादा फेलियर मोड के कॉजेस को रिमूव या कंट्रोल कर सकें तो ही सिर्फ अक्रेंस रैंकिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। ये डीएफएमईए का डिटेक्शन रेटिंग टेबल है। इन केस आपके पास किसी एक फेलियर मोड के लिए एक या एक से ज़्यादा डिटेक्शन मेथड है तो उन सबको आपको मेंशन करना है। जो आपके पास सबसे लोएस्ट डिटेक्शन रैंकिंग है उसे इवेल्युएट करना है। ये ध्यान रखें कि डिटेक्शन का अक्रेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अगर अक्रेंस रैंकिंग लो है तो डिटेक्शन रैंकिंग को लो मत करिए। जितना भी डिज़ाइन वेरिफिकेशन एक्शन को हम इंक्रीज करते हैं उतना ही डिटेक्शन रैंकिंग रिड्यूस होता है। डीएफएमईए के प्रिपरेशन के बाद उसका जो आउटपुट है वो है डिटेल्ड असेंबली ड्राइंग, बिल ऑफ मटेरियल, चाइल्ड पार्ट ड्राइंग, टॉलरेंस और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और वैलिडेशन और वेरिफिकेशन प्लान, जो हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करने में और पीएफएमईए को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वहीं पीएफएमईए का आउटपुट है इंस्पेक्शन प्लान, कंट्रोल प्लान और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। आइए एंड में अब एफएमईए के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। एफएमईए प्रिपरेशन के लिए एफएमईए का फोर्थ एडिशन ही ऑथोरेटिव रेफरेंस है, जो कि AIAG का रेफरेंस मैनुअल है। देखा जाए तो DFMEA के 6 फॉर्मेट और PFMEA के 8 फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स वेरी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि FMEA एक लाइव डॉक्यूमेंट है, जिसकी वजह से इसे हमेशा लेटेस्ट लेवल रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इसलिए डिफाइंड फ्रिक्वेंसी पे इसे हमेशा रिव्यू, रिवाइज और अपडेट करते रहना चाहिए। रिव्यू, रिवाइज और अपडेट फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार हो सकती है, जब भी डिज़ाइन या प्रोसेस में चेंजेस हों, अगर कस्टमर कंप्लेन राइजिंग ट्रेंड में हो या फिर रिपीटेटिव नेचर का हो, जब भी इन हाउस प्रोडक्ट या प्रोसेस में इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, कोई भी प्री डिसाइडेड फिक्स इंटरवल जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, एनुअली एक्सेट्रा पे हम इसे रिव्यू, रिवाइज या अपडेट कर सकते हैं, या जब कभी कोई नई रेगुलेशन या FMEA मैनुअल में नई रिविज़न आए। डिज़ाइन फेलियर्स और कॉजेज को प्रोसेस फेलियर कॉजेज से मिक्स नहीं करना चाहिए। डिज़ाइन फेलियर्स के एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार हैं, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन कैपेबिलिटी, इनकरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड। वहीं प्रोसेस फेलियर के एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार हैं, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन अप्लाइड, इनकरेक्ट मटेरियल यूज्ड। FMEA हमेशा कंट्रोल प्लान से लिंक्ड होना चाहिए। डिज़ाइन रिविज़न ही सीवियरिटी रैंकिंग को रिड्यूस कर सकता है। एक फेलियर मोड के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। सीवियरिटी फेलियर मोड से एसोसिएटेड है और सीवियरिटी रेटिंग 9 और 10 हमेशा सेफ्टी रिलेटेड रिस्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्शन लेने का सबसे इफेक्टिव अप्रोच यही है कि हम टॉप 5 कंसर्न्स पे कंटिन्यूअली फोकस करते रहें, जबकि सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है कि हम हमेशा हाई सीवियरिटी आइटम पे पहले फोकस करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स रह गए हों या किसी और वीडियो की डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।